हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो आईपीसी की धारा 420 यानी के फ्रॉड चीटिंग और धारा 406 यानी के क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से संबंधित है, यानी के अमानत में खयानत से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी दूसरी व्यक्ति के साथ कोई एग्रीमेंट किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और किसी पर्पज़ को लेके, बिजनेस डील को लेकर, लेकिन एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी नहीं की या जो पेमेंट उसको करनी थी वो फर्स्ट पार्टी को नहीं की, तो क्या ये 420 की का ऑफेंस बनता है, 406 का ऑफेंस बनता है या ये एक सिविल रोंग है? पैसे के लेन देन में क्या सेक्शन 420 की एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती? दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आप मान लीजिए किसी दुकान पर गए, किसी मान लीजिए शोरूम में गए, ज्वेलरी शॉप पे गए या किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप पे गए या किसी भी तरह की शॉप हो, मान लीजिए आपने जो मालिक है उससे परचेज करने की बात कही सामान है और आपने सामान की डिलीवरी ले ली, लेकिन आपने वहाँ झूठ बोलकर, धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके कोई पेमेंट नहीं की और उसको दुकानदार को बहका दिया कि मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी है और आप कोई जो है जाली उसका स्क्रीनशॉट शेयर करें कि बैंक से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ पर क्या 420 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? दोस्तों, इन दोनों चीज़ों का मैं डिफरेंस आपको आगे चलकर बताऊंगा कि सिविल रॉन्ग क्या होता है और 420 के तहत चीटिंग, धोखाधड़ी क्या होती है, क्या क्या उसके कारक होते हैं जिससे वो प्रूव होती है, और इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की आप बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं कि 406 और 420 कब लगनी चाहिए, और अभी हाल ही की जजमेंट में आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन बातों को फिर से दोहराया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता होगा कि कई बार पुलिस लेन देन के मामले में या कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी के एवज में क्रिमिनल केस दर्ज कर लेती है कंप्लेनेंट की शिकायत पर 420 का, 406 का, और वहाँ पर वो इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या उपाय है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऐसी अगर एफआईआर होती है लेन देन के मामले में तो आप अपने संबंधित हाई कोर्ट में जाकर एक क्वाशिंग पटिशन सेक्शन 482 के तहत फाइल कर सकते हैं, और अगर जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेक्शन 420 के वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वो एफआईआर और जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं उन सब को क्वाश कर देती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सिविल रोंग क्या होता है। सिविल रोंग होता है कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, मान ली कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो पार्टियों के बीच में, करार हुआ और वह टूट गया, या कोई पेमेंट पेंडिंग है, नॉन पेमेंट हुई है, उसकी पेमेंट वापस नहीं आई है, ये एक सिविल रोंग हुआ, या कोई जो कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें हैं, नियम है, उनका कोई उल्लंघन हुआ हो तब ये सिविल लायबिलिटी बनती है, सिविल रोंग बनता है। और यहाँ पर सेक्शन 420 या 406 यहाँ पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। तो मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में डिसीजन देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 420 का ऑफेंस है वो कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। सबसे पहला,
जो 420 के लिए जरूरी है, डिसेप्शन ऑफ ए पर्सन आइदर बाय मेकिंग ए फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन, कि किसी व्यक्ति को ठगना झूठ बोलकर या कोई और लालच देकर या कोई और लुभावनी बात करके उसको ठग लेना, ये 420 के तहत आ सकता है। और बाय डिसनेस्ट कंसीलमेंट या कोई जो बेईमानी से कोई बात छुपाकर झूठ बोलकर किसी व्यक्ति को ठगने नियत से धोखा दिया जाए, तो ये एक जो है 420 का कंपोनेंट है, इसका इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट है कि फ्रॉडुलेंट और डिसनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ दैट पर्सन, और धोखे से या बेईमानी से, चलाकी से, फ्रॉडुलेंटली तरीके से उस व्यक्ति को इंड्यूस करना, यानी कि उसको जो है बहकाना और उससे कोई संपत्ति ले लेना, पैसे ले लेना और या कोई और वैल्यूएबल आइटम ले लेना, तो तब जो है ये एक 420 का एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनेगा ये। और इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों कि सच एक्ट और ओमिशन कॉजिंग और लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू दैट पर्सन, और जिससे यानी कि जो ठगने वाला है, झूठ बोलने वाला है, उसके कृत्य से दूसरे व्यक्ति को कोई बॉडीली नुकसान हुआ है, माइंड का नुकसान हुआ है, रेपुटेशन का नुकसान हुआ है या प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो तब जो है सेक्शन 420 वहाँ पर लगती है। और इसके लिए 420 के अपराध के लिए ना केवल धोखाधड़ी होनी चाहिए, यानी कि धोखाधड़ी तो एक इसका जो मेन कंपोनेंट है वो होना ही चाहिए, बल्कि उसके परिणाम में यानी कि धोखा देने के बाद आरोपी द्वारा ठगे गए व्यक्ति की बेईमानी से की गई इंड्यूसमेंट भी जरूरी है, यानी कि उससे कोई वैल्यूएबल आइटम ले ली धोखाधड़ी करके, तो तब जो है 420 का कंपोनेंट बनता है। तो दोस्तों इसमें एक और केस है वी वाई जोस एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये भी जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इसमें ये बताया गया जो सेक्शन 415 है वो क्या कहती है 420 के ऑफेंस के बारे में, कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ मेकिंग इनिशियल प्रॉमिस और रिप्रेजेंटेशन देयर ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है दो पार्टियां, लेकिन अगर एक पार्टी की शुरू से ही धोखा देने की नीयत हो, ध्यान रहे शुरू से ही बिल्कुल बिगनिंग से धोखा देने की नीयत हो, तो तब एक 420 का ऑफेंस बनता है। ये ना हो कि शुरू से धोखा देने की नीयत नहीं थी लेकिन बाद में जो कंट्रैक्चुअल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हुए और एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कुछ पेमेंट भी दे दी लेकिन बाद में कुछ पेमेंट नहीं दी, तो तब जो है 420 का ऑफेंस नहीं बन, यानी कि दूसरे शब्दों में कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को अगर पेमेंट ना करे तो ये 420 और 415 का ऑफेंस नहीं बनता। और पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना है आरोप जो लगाए जाते हैं क्रिमिनल केस में, और पुलिस के पास कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो FIR दर्ज करके या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स दर्ज करके पैसे की रिकवरी करे दूसरी पार्टी से कंप्लेनेंट को देने के लिए, और क्योंकि और ना ही वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम कर सकती है पुलिस, क्योंकि पुलिस के पास रिकवरी से संबंधित कोई भी पावर नहीं है। अब दोस्तों बात आती है सेक्शन 406 की, 406 में क्या होना जरूरी है कि बहुत सारे इस पर भी डिसीजन हुए हैं 406 पर कि जो डिसीजंस हैं वाइल होल्ड दैट सम एक्ट और सेम एक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन कैन नॉट रिजल्ट इन एन ऑफेंस ऑफ चीटिंग, यानी कि धोखाधड़ी और जो 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है वो दोनों एक साथ लागू नहीं होंगे, क्योंकि जहां पर शुरू से धोखा देने की नीयत होगी एक पार्टी की तो वो अपनी कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी अमानत के तौर पर जो है दूसरी पार्टी को नहीं देगी, तो यहां पर 406 का ऑफेंस नहीं बनता, क्योंकि 406 में जो एंट्रस्टमेंट ऑफ वैल्यूएबल है वो इसमें नहीं है, और क्योंकि शुरू से ही धोखा दिया जा चुका है तो ऐसे में 406 का ऑफेंस इसमें नहीं बनता। और इसके अलावा
जब 406 बनता कब है कि जहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मस्ट एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, क्योंकि इसके लिए दोनों पार्टीज में एक रिलेशनशिप होना जरूरी है विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी, चाहे वो संपत्ति को लेके कोई उनका रिलेशनशिप हो और या जो है किसी और चीज़ के लिए उनके बीच में रिश्ता रहा हो, लेकिन बाद में जो है अमानत में खयानत हो गई तो तब जो है 406 का ऑफेंस बनता है। लेकिन जो इंटेंशन है जो एक पार्टी की वो शुरू से धोखा देने की हो अगर होगी तो तब जो है 406 का ऑफेंस नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस संबंध में माननीय जो हाई कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा कि जो 506 भी लग जाता है कई बार 406 420 उसके साथ 506 भी लगा देते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन, वहाँ पर भी जो घटना यानी कि धमकी देने की घटना की तारीख जगह और टाइम वो देना जरूरी है तभी उसके साथ सेक्शन 506 लगाई जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि जहाँ पर जो सिविल रोग है पैसे का लेन देन है या कोई कंट्रेक्चुअल ब्रीच ऑफ ब्रीच है या वॉयलेशंस है तो वहाँ पर सेक्शन 420 नहीं लगती, 406 नहीं लगती और 506 नहीं लगती, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी एक पार्टी दूसरी पार्टी पर पेमेंट के लिए प्रेशर बनाती है तो तब जो है वो पैसे की जल्दी रिकवरी के लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर देती है। लेकिन ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं लेन देन के मामले में वो लीगली सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रिकवरी हो वहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की जानी चाहिए और साथ में जो है अपने पैसे की रिकवरी के लिए सिविल सूट यानी कि रिकवरी सूट फाइल करना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।